आखिर वो कौन था जिसने लूफी के सेकंड गियर को सबसे पहली बार एक्सप्लेन किया था? क्या वो रॉब लूची था या फिर चॉपर या फिर ब्लूनो? कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बताओ और इनाम में बधाइयां ले जाओ। मजाक कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगा। सो व्हाट इज अप गाइस, इट्स योर बॉय फैट बैटमैन 69 इज बैक विद अनदर वीडियो। जी हाँ, मैं मर गया था पर अब मैं दोबारा स्पॉन हो चुका हूँ। मोर इम्पॉर्टेंटली, मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया। मैं कहाँ था, मैं क्या कर रहा था, वो सब कभी। और सबसे पहले ज़रा ये सोचो, क्या होता अगर एस रॉजर का बेटा नहीं होता तो? वेल, ऐसा हो सकता था। 2017 के एक इंटरव्यू में ओडा के एक एडिटर ने यह बताया कि उन्होंने उनसे यही सेम सवाल किया था, क्या हो अगर एस रॉजर का बेटा हो तो? बहुत अच्छा आइडिया है सेंसे, डू इट। जस्ट इमेजिन उस दिन अगर एडिटर ने यह कहा होता तो। बिल्कुल ही बकवास आइडिया है। अगर ऐसा कुछ होता तो भैया उस दिन तो कांडी हो जाता, शायद वन पीस आज से काफ़ी अलग होता। क्या क्या होता अगर एस रॉजर का बेटा नहीं होता तो? मेरे ख्याल से एस और लूफी बायोलॉजिकल ब्रदर्स होते, यानी एस ड्रैगन का बेटा होता। पर इसका मतलब पैरामाउंट वार में ड्रैगन भी आता अपना रिवॉल्यूशनरी आर्मी को लेकर। हाँ, तुम्हें क्या लगता है यार, क्या होता? अच्छा हाँ, ड्रैगन से याद आया, काफी टाइम पहले एक इंटरव्यू में मसासे किशिमोटो नारुतो वाले और इचिरो ओडा हमारे वन पीस वाले दोनों ने ही यह बताया कि वे ड्रैगन बॉल से काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। नारुतो हमारा गोकू से इंस्पायर्ड है, खासकर उसका पर्सनैलिटी। नारुतो को गोकू की तरह एनर्जेटिक एंड मिस्चीवियस टाइप बनाया गया अकॉर्डिंग टू किशिमोटो सर। हालांकि बना तो वो चूतिया, एक बंदे की जान खा जाओ जब तक वो विलेज वापस नहीं आ जाता। सास्के प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, ढोकला खिलाऊंगा पक्का। रही बात वन पीस की, तो ओडा को गोकू की जर्नी पसंद आई थी। मोर लाइक गोकू अपने जर्नी में किस तरह से फ्रेंड बनाता है, वह चीज ओडा को काफी पसंद आई थी। यह चीज तो हमने वन पीस में भी नोटिस किया, राइट? और मैं यहाँ ड्रैगन बॉल जी या सुपर के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ड्रैगन बॉल के बारे में। हाँ, जिसमें गोकू ड्रैगन के बॉल्स को ढूंढने के लिए एडवेंचर एंड ट्रैवल करता था। ओडा ने यह कहा था कि वे टोरियामा से काफी इन्फ्लुएंस हुए थे। ऑफ कोर्स ड्रैगन बॉल तो था ही, पर उन्हें डॉक्टर स्लम भी काफी पसंद आया था। जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बता दूं कि टोरियामा सर ने ड्रैगन बॉल से पहले डॉक्टर स्लम्प नाम का मांगा भी बनाया था, जो कि ठीक ही ठाक चला था। तुम लोगों को यह लड़की तो याद ही होगी जो कि ड्रैगन बॉल सुपर के एक एपिसोड में आई थी। यप, वही लड़की जिसको टट्टी से खेलना पसंद था। हाँ, और टोरियामा से बात करते वक्त ओडा ने यह भी बताया कि ड्रैगन बॉल को देखते ही पहली नज़र में ही उन्हें उससे प्यार हो गया, ड्रैगन बॉल से। ओडा ने यह भी बताया कि उन्हें पहले डिज्नी पसंद आता था, लेकिन फिर ड्रैगन बॉल के आते ही उन्होंने डिज्नी को फेंक कर ड्रैगन बॉल से प्यार कर लिया। ओडा मोस्टली टोरियामा सर के आर्ट स्टाइल से इंस्पायर्ड हुए थे। जिस तरह से टोरियामा मसल्स और हाथों को बनाते थे वह बेस्ट है यार। ओके, सो हियर्स द थिंग, टोरियामा सर मुझसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए हैं। सेल सागा याद है, वहाँ गोकू और गोहान बेमतलब का सुपर सैन मोड में घूमते रहते थे। हमें ऐसा बताया गया था कि वो किसी तरह का ट्रेनिंग है, हालांकि सच्चाई तो कुछ और है मेरे दोस्त। टोरियामा सर ने एक खुलासा किया था एक इंटरव्यू में, जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि मांगा में उन्हें गोकू और गुहान के बालों को नॉर्मल मोड में कलर करना पड़ता था, जिसमें उन्हें काफ़ी आलस आता था और इसी वजह से सुपर सैन, क्योंकि सुपर सैन में बालों को कलर करना नहीं पड़ता। और एक बार तो वह भूल ही गए थे कि सुपर सैन 3 भी कुछ है, उन्हें लगने लगा था कि सुपर सैन 3 ही सुपर सैन 2 है। और मैं भी भूल गया था कि मेरे पास भी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें कुछ अपलोड भी करना रहता है। By the way, क्या तुम्हें लगा था कि सुपरनोवास प्री प्लान्ड कैरेक्टर्स हैं, यानी उन्हें काफ़ी पहले से सोचा गया था? मुझे तो लगा था, पर ऐसा नहीं था। ओडा ने बताया कि सुपरनोवास को उन्होंने उनके इंट्रोडक्शन के ठीक पहले ही बनाया था। और सही बता रहा हूँ, यह सुनते ही मेरा मुंह फट गया, क्योंकि आज सुपरनोवास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वन पीस में। उनके मुताबिक उस वक्त बहुत ख़राब सिचुएशन था, क्योंकि उनको किसी तरह लॉ को इंट्रोड्यूस करना था पर कोई प्लॉट बन नहीं रहा था। ओडा सेंसे की यहाँ पर हालत ख़राब थी, क्योंकि इस तरह तो साबड़ी आर्क बिल्कुल बोरिंग हो जाता। और तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, जो कि था न्यू कैरेक्टर्स को बनाना, एंड देयर यू गो सुपरनोवास। मतलब सोच रहे हो, ओडा ने अचानक से ही ना केवल 7 नए कैरेक्टर्स बनाए, बल्कि 7 नए डेविल फ्रूट्स भी बनाए। 7 इसीलिए क्योंकि लूफी, जोरो और लॉ तो पहले से ही थे ना। आगे ओडा ने यह भी कहा था कि उन्हें पता था कि किड एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बन सकता है,
पर लॉ इतना इम्पोर्टेंट बन जाएगा उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था। इसी तरह का सिचुएशन और एक बार हुआ था एनिस लॉबी आर्क में, जहां पे एनिस लॉबी में ओडा का सिर्फ 3 मकसद था, रॉबिन के पास्ट को किसी तरह दिखाना था, गोइंग मेरी को गुड बाई करना था और फ्रैंकी को किसी तरह क्रू में घुसाना था। हालांकि ओडा ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये ऑब्वियस लगे कि फ्रैंकी क्रू को ज्वाइन करेगा, और इसी वजह से उन्होंने गैलीला कंपनी बनाया था जहां पे बहुत सारे शिप राइट्स थे। लेकिन फिर ओडा ने कहा, अरे हाँ मुझे तो विलेंस भी चाहिए ना, और यहाँ पर वैसे भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स तो पड़े हुए थे, और इसी तरह उन्होंने बिल्कुल रैंडमली अपने विलेंस को पिक किया। मतलब ज़रा सोचो यार, यहाँ पर लिटरली कोई भी CP9 का मेंबर हो सकता था। एंड यू नो व्हाट, ऐसा एक्सीडेंट एक और बार हो चुका है। पंख हजार के 23rd लॉग में ओडा ने यह बताया कि वे वन पीस को सिर्फ 5 साल में ही ख़त्म कर देते, पर वे ऐसा नहीं कर पाए सिर्फ इन वारलॉर्ड की वजह से। वन पीस का मेन स्टोरी सिर्फ यही होने वाला था कि कैसे लूफी हराएगा इन योंकोस को, पर फिर ओडा को लगा कि चलो वारलॉर्ड्स को भी ऐड करते हैं स्टोरी में और अच्छा स्टोरी बनेगा, जिसकी वजह से वन पीस बहुत लंबा खिंच गया, लिटरली पूरे 3 आर्क सिर्फ वारलॉर्ड्स के ऊपर। हालांकि वारलॉर्ड्स के ही वजह से हमें इतना सही स्टोरी देखने को मिला, हर एक वारलॉर्ड वाला आर्क बहुत सही था। एंड अगर देखा जाए तो वारलॉर्ड्स नहीं होते तो बोआ हैनकॉक भी। लेकिन यार सिर्फ 7 वारलॉर्ड्स ही क्यों? इसके जवाब में ओडा ने कहा, मुझे लगा था कि 7 बहुत ही कूल नंबर है, और सच में मुझे अपने इस डिसीजन से कोई शिकायत नहीं है, आखिर मैंने वही किया जो मैं चाहता था। लेकिन फिर बाद में ओडा यह भी कहते हैं, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही वारलॉर्ड्स बना डाले। अच्छा हाँ, वारलॉर्ड से याद आया, याद है कैसे वीवी को पहली बार एक विलन की तरह पेश किया गया था? वीवी को ओरिजिनली बोरोकवर्स का एजेंट ही रखा जाने वाला था। एंड टू टेल द ट्रूथ, वीवी पहले एक विलन ही होने वाली थी जिसको बाद में फेंक दिया जाता, पर फिर ओडा ने यह बताया कि वीवी को ड्रॉ करते वक्त उनको थोड़ा सा प्रिंसेस टाइप फील आता है वीवी को ड्रॉ करते वक्त, तो चलो इसको एलाबास्टा की प्रिंसेस ही बना डालते हैं। और इसी तरह बना हमारा एलाबास्टा आर्क। ज़रा सोचो यार, अगर वीवी नहीं होती तो हमें यह बूममेट देखने को कैसे मिलता? और सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि वन पीस को लिखने से पहले ओडा के दिमाग में सिर्फ 3 चीज थी, वह था लूफी, उसका पावर्स क्या होंगे और स्टोरी की एंडिंग कैसी करनी है। एट द एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ओडा एक मास्टरमाइंड है और उन्हें पता है कि कौन से कैरेक्टर को कैसे यूज़ करना है। वह कोई भी कैरेक्टर को ज़ाया नहीं जाने दिए, वह सारे कैरेक्टर्स को अभी तक बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। हर एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है अब वन पीस में। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। मैं थोड़ा बीमार हूँ, अगर तुम्हें पता चल रहा हो तो बढ़िया है, और इस वीडियो को लाने में सही में बहुत मेहनत लगी है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, इस चैनल को सपोर्ट दिखाओ। ऐसी वन पीस से रिलेटेड कॉन्टेंट चाहिए तो यार लाइक करना, शेयर करना यार, अकेले मत देखो, सबको दिखाओ जो भी वन पीस देखता है। एंड हाँ, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।